गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास एट्थ की मैथ्स की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 28, जो कि आपकी डेट 31 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम वर्क प्रॉब्लम ऑफ क्यूब्स पढ़ेंगे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूब, क्यूब्स के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम है उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिया बॉट ए मैच बॉक्स पैकेट फ्रॉम द शॉपकीपर। She measured this packet from the scale and said to Priya, Didi, look, the shape of the matchbox packet of the form of cube. Its length, width and height all are 8 centimeters. उसने कहा कि जो matchbox है वो क्यूब की शेप में है और जो उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तीनों जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, यानी कि 8 × 8 × 8। तो बेटा इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 512। वो क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका L × B × H, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया? ठीक है, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी। क्या थी वो इंटरेस्टिंग थिंग? द टोटल नंबर ऑफ मैच बॉक्स इन साइड दिस पैकेट इज ऑल्सो 8, यानी कि उसकी तीनों साइड्स भी 8 थी और उसके अंदर जो पूरा पैकेट था उसके अंदर मैच बॉक्स जो थी वो कितनी थी? 8 ही थी। रिया साइड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेजर द लेंथ, विथ एंड हाइट ऑफ ए मैच बॉक्स। अब जो उसके अंदर मैच बॉक्स निकली वो उसकी भी हाइट, वेट और लेंथ नापना चाहती थी। ठीक है, हाउ मच द लेंथ, विथ एंड हाइट ऑफ ए मैच बॉक्स? तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कितनी थी पता कैसे करेंगे? रिया ने क्या कहा? दीदी, द विथ ऑफ ए मैच बॉक्स इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड लेंथ ऑफ ए मैच बॉक्स। यानी कि जो उसकी विथ थी वो मैच बॉक्स के ट्वाइस, हाइट के ट्वाइस थी। ठीक है, और लेंथ के भी ट्वाइस थी। तो जो बॉक्स इज़ द 4 times its height, तो जो जो बॉक्स बॉक्स था उसके 4 times height के 4 times थी। डैट इज़ इट इज़ ट्वाइस ऑफ द विथ। यानी कि अब आप ऐसे समझ लीजिए कि उसने क्या कहा कि जो मैच बॉक्स था उसकी हाइट तो थी बेटा 2, और विथ जो थी वो उसकी डबल थी, ट्वाइस थी। तो विथ कितनी हो गई? 4 centimeters। और जो उसकी लेंथ थी वो उसकी भी ट्वाइस थी, विड्थ की ट्वाइस थी और इसकी 4 times थी। यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 times का मतलब वही है और ट्वाइस का मतलब वही हुआ, तो ये 8 हो गई। तो हाउ शी गॉट द आंसर? अब कैसे पता चला उसे कि भाई वो 2 थी और 4 थी और वो 8 थी? तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स पैकेट, पहले जो मैच बॉक्स का पैकेट था उसका वॉल्यूम कितना है? 8 × 8 × 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैच बॉक्स 8, ये तो हमने अब पता है, हमें पता ही है। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसको अगर मैं 8 से डिवाइड कर देती हूँ तो 8 से 8 कैंसिल हो गए, 64। यानी कि एक जो मैच बॉक्स है उसका वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसके फैक्टराइज़ करेंगे, फैक्टराइज़ करेंगे तो 2 की पावर 6 आएगा, यानी कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 6 times आ रहा है। लेट द हाइट ऑफ मैच बॉक्स, अगर हम हाइट मान लेते हैं मैच बॉक्स की h है, ठीक है, तो विड्थ उसकी डबल थी तो 2h हो गई, और लेंथ क्या थी उसकी? 4 times थी, इसकी 4 times थी। ठीक है, इसकी तो ट्वाइस थी, विड्थ की ट्वाइस थी और हाइट की 4 times थी, तो ये 4h हो गया। ठीक है, तो अब हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ कितनी है h और ब्रेथ कितनी है 2h और हाइट कितनी है 4h। ठीक है, सॉरी लेंथ ये है और सॉरी ये है आपकी हाइट है, ये आपकी विड्थ है, ये आपकी लेंथ है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए? आपके वॉल्यूम के इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमने लिख दिया, तो 8h³, ये हमें पता था वॉल्यूम 8h³ हो गया, ये 2 × 4 = 8 और h³। अब h³ की वैल्यू निकालनी है, 8 को नीचे लेके जाएंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 की पावर 3 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो आपके हाइट और 8 किसका क्यूब रूट होता है? 2 का होता है। तो आपके h हाइट कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई, और b इसका डबल था 2h था तो 4 हो गया, और l इसका 4h था तो 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ ईच मैच बॉक्स वॉज ऑल्सो द शेप ऑफ क्यूब, देन वॉट वुड बी द लेंथ, विथ एंड हाइट ऑफ ए मैच बॉक्स? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इफ़ द लेंथ ऑफ विथ ऑफ ईच मैच बॉक्स वर 8 times ऑफ इट्स हाइट एंड द, देखिए बेटा जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका बिल्कुल एज इट इज़, अभी हमने जो एग्जाम्पल किया है बिल्कुल वही है। ठीक है, कोई भी चेंज ही नहीं है, लेकिन बस कितना है ये 8 times है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपका 8 times हो जाएगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन द पैकेट ऑफ 8 × 8 × 8 सेंटीमीटर मैच बॉक्स हैं, हाउ विल बी द कम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ इट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बेटा पैकेट का वॉल्यूम निकालेंगे और ये मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हम पे नंबर ऑफ मैच बॉक्स निकल जाएंगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही है, आप पैकेट का वॉल्यूम निकालेंगे 8 × 8 × 8 और उसको डिवाइड कर देंगे मैच बॉक्स के वॉल्यूम से 1 × 1 × 1, तो नंबर ऑफ मैच बॉक्स निकल जाएंगे कि उस पूरे पैकेट में कितने मैच बॉक्स हैं।
ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन एग्जांपल आपको ये बताना है कि ये डायमेंशन हो सकती है मैच बॉक्स की पैकेट की कि नहीं हो सकती, ठीक है। 4 × 4 × 4, अब देखिए ये है और ये आपकी 8 × 8 × 8 है, तो बेटा ये जो आपकी डायमेंशन है ये इससे कम ही होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकेंड है 1 × 2 × 32, 32 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये आपकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। फिर आपका 1 × 4 × 16, तो ये भी नहीं हो सकती, 16 है। 1 × 8 × 8, तो ये हो सकता है। 2 × 4 × 8 भी हो सकता है। 1 × 1 × 64 नहीं हो सकता है, तो इसका रीज़न भी देना है। चलिए अब मैं आंसर से एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। तो बेटा देखिए फर्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच मैक्स मॉच बॉक्स हमारा क्या है, 64 cm³ है। लेंथ और विड्थ और हाइट हमने मान लेते हैं एक्स है, हमें नहीं पता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, आपका साइड का क्यूब होता है, साइड हमारी एक्स है, तो एक्स का क्यूब 64। यहाँ से 64 का आप फैक्टर करेंगे बेटा 4 आएगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि आपकी लेंथ और विड्थ और हाइट तीनों बराबर थी, तो हमारी कितनी हो जाएगी 4 cm। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया था, हम एच मान लेते हैं और जो उसकी हाइट है, ये हाइट हमने एच मान लिया, और लेकिन उन्होंने बोला था कि जो लेंथ और वेट है ना वो हाइट वो 8 times है, तो हमने 8 × हाइट 8h हो गया। वॉल्यूम आपका क्या होता है, L × B × H, तो आगे लेंथ और ब्रेथ जो थी वो थी 8 times ऑफ हाइट, तो इसकी जगह हम 8 times ऑफ हाइट रखेंगे, यानी कि 8h रखेंगे, 8h रखेंगे और इस हाइट की जगह हाइट रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 64h³ बराबर 64 h³ / 64 1 हो गया, और 1 किसका क्यूब होता है, 1 का ही होता है, तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 cm। अब आपकी हाइट तो आ गई 1 cm, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, लेंथ हमारी 8 times है, तो 8 × h 8 × 1 हो गया, तो आपका 8 cm आपकी लेंथ हो गई। विड्थ भी देखिए 8 × h 8 × 1 = 8 cm, ये भी आपकी हो गई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बेटा वॉल्यूम दिया हुआ था मैच बॉक्स का 2 × 2 × 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 8 cm³, ये तो मैच बॉक्स का हो गया। फिर उन्होंने बोला था जो पैकेट है उसका भी वॉल्यूम देख लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट दिया था 8 × 8 × 8, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपका 512 आएगा, आप 512 भी लिख सकते हैं। और मैंने इसे अभी छोड़ दिया, ऐसे ही मैं बताती हूँ क्यों। अब आप नंबर ऑफ मैच बॉक्स कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स, तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना 8 × 8 × 8, या तो आप 8 × 8 × 8 लिखिए या आप 512 लिखिए, वो आपकी मर्जी है। वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स, तो ईच मैच बॉक्स का 2 × 2 × 2, अब देखिए ये 2 × 2 × 2 क्या होता है, 8 होता है, 8 से 8 कट गया, ये कितना आया 64, तो आपकी कितनी मैच बॉक्स होंगी इसमें 64। फोर्थ क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन उसकी मैच बॉक्स की डायमेंशन दी है आपको लेंथ ब्रेथ हाइट 1 1 1, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 cm³। पैकेट का दिया हुआ था 8 × 8 × 8, तो कितना हो जाएगा वो 512। अब मैच बॉक्स निकाल लें, वही टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितना था बेटा 8 × 8 × 8, आप तो यहाँ तो 8 × 8 × 8 लिखिए या 512 लिखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 512 आ गया। उन्होंने पूछा है क्या जो मैच बॉक्स है की जो नंबरिंग आ रही है वो क्या वॉल्यूम ऑफ पैकेट के इक्वल है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ पैकेट हमारा कितना था 512 और नंबर कितने निकल रहे 512, तो येस द नंबर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट, तो इक्वल है ये आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने बता दिया था, ऑल द गिवन पॉसिबिलिटीज आर नॉट पॉसिबल बिकॉज मैच बॉक्स टू फिट इनटू द पैकेट ऑल ऑफ इट्स साइड्स मस्ट बी लेस देन द साइड ऑफ पैकेट। तो बेटा यहाँ वर्कशीट खत्म होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, थैंक यू।